लालबरा के ग्राम पंचायत नेवर गांव में कुएं के अंदर पुलिस ने बरामद किया 72 वर्षीय बकाराम खैरगवार का शव। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू की। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित शिवनी मार्ग स्थित कटनटोला बालाजी ढाबा के सामने इनोवा वाहन की टक्कर से 2 लोगों की हुई मौत, एक मृतक की नहीं हुई शिनाख्त, जांच में जुटी पुलिस। ग्रामीण थाना के अंतर्गत ग्राम और कोसमी निवासी 42 वर्षीय व्यक्ति ने अपने ही घर के पंखे में फांसी लगा करके आत्महत्या। इलेक्ट्रीशियन का काम करता था मृतक, आत्महत्या का कारण नहीं हो पाया स्पष्ट, जांच में जुटी पुलिस। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर उपवा बैयर मार्ग पर बंजारी रोड किनारे नक्सलियों ने बांधे बैनर, लालबरा क्षेत्र में बन रहे सोनमानी अभ्यारण्य का किया जा रहा विरोध। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आते ही कांग्रेस पार्टी में शुरू हुआ जश्न का दौर। कांग्रेस सी ने हनुमान चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय के सामने जमकर की आतिशबाजी, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। उपवास से बालाघाट वापस आ रहे 36 वर्षीय मनीष खरोले बूढ़ी निवासी की रुपजर थाना के अंतर्गत जगनटोला मुड़ाई के पास सड़क हादसे में हुई मौत, अस्पताल शव की तहरीर के बाद पंचनामा कार्रवाई कर शव पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। बारासोली के सीएम राइज स्कूल में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अन्य कलाओं में क्षेत्र में निपुणता लाने के लिए समर कैंप का हुआ समापन, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह से किया गया सम्मान। गवर्नमेंट स्कूल मैदान में खेल के दौरान खिलाड़ियों में हुआ आपसी विवाद, दोनों पक्ष में हुई मारपीट, विशेष जायसवाल मारपीट में हुआ घायल, जिला अस्पताल में उपचार के लिए किया गया भर्ती। आम आदमी पार्टी ने स्टेशन प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन, बालाघाट में रिजर्वेशन काउंटर का समय में सुधार किए जाने की मांग। नगर पालिका के द्वारा टैक्सों में रियायत देने के लिए लगाई गई लोक अदालत में संपत्ति कर की राशि हुई दुगनी, सॉफ्टवेयर में अचानक दुगना संपत्ति कर देख वार्डवासियों के उड़े होश, नगर पालिका सीएमओ ने कहा नगर पालिका और कर्मचारी से हुई है गलती। लालबरा के वैदिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का सीबीएसई परीक्षा परिणाम रहा सराहनीय, कक्षा 10वीं में आदिवा सुरेशी ने ब्लॉक में किया टॉप। बारासुनी न्यायालय ने शिव नारायण के हत्यारों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, साथ ही सभी आरोपियों को 7,500 रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित। बारासुनी नगर के सराफा बाजार स्थित श्री सिद्ध हनुमान लला मनोकामना पूर्ति मंदिर में शनिवार को 108 हनुमान चालीसा पाठ का किया गया आयोजन, भक्तों ने पाठ में बैठकर पाठ का धर्म लाभ किया अर्जित। डबल मनी करने का झांसा देकर आधा दर्जन लोगों से 45,50,000 रुपए की हुई धोखाधड़ी, कोसमी बालाघाट निवासी विकास हलकरे और उसके भाई सौरभ हलकरे के विरोध धोखाधड़ी का अपराध हुआ दर्ज। करोड़ों की जल आवर्धन योजना के बावजूद भी शहर के कई क्षेत्रों में गंदा और मटमैला पानी की समस्या से जूझ रहे वार्डवासी, जस की तस बनी हुई समस्या, वार्डवासियों ने समस्या के समाधान के लिए लगाई नगरपालिका से गुहार।